हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज। आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ ओप्पो रेनो 7 का। ये फ़ोन मैं एक हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ और इस वीडियो में मैं इसका रिव्यू करूँगा, बात करूँगा इसका डिज़ाइन, कैमरा, फीचर्स और गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, और आपको बताऊँगा क्या इस फोन में पैसा डालना वर्थ है या नहीं, या फिर कौन से दूसरे बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको हमारे फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओप्पो रेनो 7 इंडिया में एक ही वेरिएंट में अवेलेबल है, 8GB 256GB फॉर 29,000 रुपीज़। तो ये फोन मैं एक हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ और इस वीडियो में मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों आपको बताऊंगा। रेनो 7 रन कर रहा है एंड्रॉइड 11 पर विथ लेटेस्ट कलरवेज 12, जो मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा क्योंकि इसका कंपेटिटर वीवो V23 आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आता है। बट क्योंकि ये लेटेस्ट कलरवेज 12 पर रन कर रहा है इसलिए इसमें काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिलते हैं और UI भी काफ़ी स्मूथ है। यूजेबिलिटी की बात करेंगे तो फोन के UI में बिल्कुल लैग नहीं है, ऐप्स भी काफ़ी फास्ट खुल जाते हैं, ऐप को टच करने और ओपन होने के बीच डिले नहीं है। बट सैडली इसमें काफ़ी ब्लोटर ऐप्स पहले से लोडेड मिलते हैं, जैसे कि हॉट ऐप्स, डेली हंट, जोश और फिनचेल पे, और इनमें से डेली हंट काफ़ी बेकार एड्स डिस्प्ले करता रहता है नोटिफिकेशन पैनल पे। बट थैंकफुली इनमें से कुछ ऐप्स को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें 4,500 mAh की बैटरी मिलती है और मुझे आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप मिल रहा है इस फोन पर विथ नॉर्मल यूजेज लाइक फुल डे वाईफाई, व्हाट्सएप एंड वीडियो स्ट्रीमिंग के साथ। ये फोन 65W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और 31 मिनट्स में 0 से 100% चार्ज हो जाता है, जो काफ़ी फास्ट है। इस फोन का वन ऑफ द मेन हाईलाइट है इसका डिज़ाइन, जो हर रेनो सीरीज़ के फोन में काफ़ी अच्छी होती है। डिज़ाइन की बात करेंगे तो फ्रंट में आपको 6.43 इंच का फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 84.9%, क्योंकि फोन में थोड़े बेजल है स्पेशली नीचे चिन एरिया में। सेफ्टी के लिए गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। साइड में है कर्व्ड प्लास्टिक फ्रेम विद शाइनी फिनिश, जो मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा क्योंकि रेनो 6 में मेटल फ्रेम था। बैक में भी प्लास्टिक मिलता है जिस पर लेजर डायरेक्ट इमेजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शूटिंग स्टार डिज़ाइन दिया गया है, जिस पर 1.2 मिलियन माइक्रो रास्टर्स है शूटिंग स्टार्स के, जो काफ़ी अच्छा दिखता है। कैमरा मॉड्यूल का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। आजकल ये न्यू ट्रेंड चल रहा है डिफरेंट साइजेस में कैमरा सेंसर का, और ये इसमें भी दिया गया है। बट इसका कैमरा बम्प थोड़ा ज़्यादा है तो इस पर स्क्रैचेज आने के चांसेज है अगर आप केस नहीं यूज़ करेंगे तो। ओवरऑल फोन लुक्स वाइज काफ़ी प्रीमियम है। ये फोन दो कलर में अवेलेबल है, एक ये स्टार ट्रेल ब्लू और दूसरा स्टारी ब्लैक। फोन में नीचे दिया है 3.5mm ऑडियो जैक, माइक, टाइप सी यूएसबी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। अपर साइड में है सेकेंडरी माइक, राइट साइड में है लॉक बटन, लेफ्ट में है वॉल्यूम बटन और सिम कार्ड स्लॉट। इस फोन में ड्यूल 5G सिम का सपोर्ट मिलता है अलॉन्ग विद SD कार्ड सपोर्ट अप टू 1 TB। बैक में मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप विद LED फ्लैश। फ्रंट में है पंचोल सेल्फी कैमरा और ईयरपीस। फोन ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आप इसे एक हाथ से यूज़ कर सकते हैं। कर्व फ्रेम की वजह से ग्रिप भी काफ़ी अच्छा मिलता है। फोन काफ़ी पतला है एट 7.81mm और काफ़ी हल्का भी है एट 173 grams, तो यूज़ करने में काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। सोशल मीडिया ऐप जैसे स्नैपचैट और इंस्टाग्राम बड़े आराम से चल जाते हैं। फिल्टर्स वगैरह काफ़ी फास्ट लोड हो जाते हैं, आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे। और क्योंकि इसमें 32 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है तो स्नैपचैट पर इसका आउटपुट भी काफ़ी अच्छा आता है। इसी तरह इंस्टाग्राम भी काफ़ी स्मूथ है इस पर, और क्योंकि इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया है इसीलिए स्क्रोलिंग एंड स्वाइपिंग बटरी स्मूथ लगता है। ओप्पो रेनो 7 में दिया है MediaTek Dimensity 900 चिपसेट विथ एन ऑक्टोकोर प्रोसेसर एंड माली G68 MC4 GPU। रेनो 7 एक ही स्टोरेज ऑप्शन के साथ अवेलेबल है, 8GB 256GB, और इसमें एक्सटेंडेड ड्राइव वाला फीचर दिया है जिससे ये ऑनबोर्ड स्टोरेज से एक्स्ट्रा 3GB या 5GB को एज ए रैम यूज़ कर सकता है, तो टोटल आपको 11GB या 13GB रैम मिल सकता है जरूरत पड़ने पर। Dimensity 900 एक डिसेंट लेवल का पावरफुल प्रोसेसर है, और परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इसमें आप हैंड गेम्स आराम से खेल सकते हैं हाई सेटिंग्स पर, आपको कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप नहीं मिलेगा। इसके एंटूडू स्कोर की बात करेंगे तो हमारे टेस्ट के वक्त इसने 4,43,000 स्कोर किया है, जो इस प्राइस पर अच्छा है, और इसमें LPDDR4X रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज दिया गया है। बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया या पबजी का भी इसमें आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि ये फोन पबजी HDR पर अल्ट्रा FPS तक सपोर्ट करता है, और अगर आपको एक्सट्रीम FPS चाहिए तो स्मूथ मोड पर आपको एक्सट्रीम FPS भी मिलता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। बट इसी प्राइस में iQOO 7 अवेलेबल है, जिसमें स्नैपड्रैगन 870 दिया गया है, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है, और उसमें स्मूथ से लेके HDR तक सभी में आपको एक्सट्रीम FPS और अल्ट्रा HD ग्राफिक्स पर अल्ट्रा FPS का सपोर्ट मिलता है, तो iQOO 7 इससे थोड़ा और बेटर है गेमिंग के डिपार्टमेंट में। तो मैंने गेम सेट कर लिया स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पर, और आप देख सकते हैं कि ग्राफिक्स अच्छे हैं, कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप नहीं है, और दूर के ऑब्जेक्ट्स का लोडिंग इशू भी नहीं आता इस फोन में। और क्योंकि इस फोन में 90Hz रिफ्रेश रेट और 180Hz टच सैम्पलिंग रेट मिलता है, तो गेमिंग एक्सपीरियंस और बेटर हो जाता है। तो अगर आप चाहें तो इसे गेमिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं, बट अगर आप गेमिंग एडिक्ट है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा iQOO 7, क्योंकि उसका गेमिंग परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर है और उसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 300Hz का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है, जो गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी बेटर बना देता है। बट इस फोन में मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि 20 मिनट पबजी खेलने के बाद भी ये फोन ज़्यादा हीट नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें लिक्विड कूलिंग सिस्टम के साथ मल्टीलेयर ग्रेफाइट शीट्स दी गई है कूलिंग के लिए, तो गेमिंग इस पर भी आप अच्छे से कर सकते हैं।
कैमरा की बात करेंगे तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। पहला है 64 मेगापिक्सल f1.7 अपर्चर कैमरा विद फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस एंड जायरो EIS। दूसरा है 8 मेगापिक्सल f2.2 अपर्चर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और लास्ट है 2 मेगापिक्सल f2.4 अपर्चर मैक्रो कैमरा। स्टॉक कैमरा ऐप में आपको काफी सारे फीचर मिलते हैं जैसे कि अल्ट्रा वाइड एंगल मोड, मैक्रो मोड, पोर्ट्रेट विद लाइटिंग इफेक्ट, नाइट मोड, प्रो मोड, HDR, लाइव फिल्टर्स, लाइव फोटो, अल्ट्रा स्टेडी वीडियो, ब्यूटी मोड और पैनोरामा। आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं 30 FPS पर और 960 FPS सुपर स्लो मोशन का भी ऑप्शन मिलता है। वीडियोस के लिए बैकग्राउंड डीफोकस और AI हाईलाइट वीडियो का भी मोड मिलता है जो लाइटिंग के हिसाब से वीडियो को ऑटोमेटिकली एनहांस करता है। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल f2.4 अपर्चर सेल्फी कैमरा जो रिकॉर्ड कर सकता है 1080p एट 30 FPS। फ्रंट कैमरा में भी आपको पोर्ट्रेट मोड, पोर्ट्रेट वीडियो, अल्ट्रा शेडी वीडियो, AI हाईलाइट वीडियो, नाइट मोड, लाइव फिल्टर्स, AR स्टिकर्स और ब्यूटी मोड मिलता है। तो चलिए कुछ कैमरा सैंपल देखते हैं। डे टाइम पिक्चर्स इंप्रेसिव है, फोटोज काफ़ी शार्प और कलर्स वाइब्रेंट है। आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी मिलता है अच्छे शॉट्स लेने के लिए। पोर्ट्रेट फोटोज अच्छे आते हैं, एजेस में कोई इशू नहीं है बट स्किन टोन्स प्रॉपर नहीं आते और पोर्ट्रेट मोड में कभी कभार HDR ठीक से काम नहीं करता क्योंकि आप देख सकते हैं कि जहां धूप पड़ रही है वहां थोड़े डिटेल्स ब्लोन आउट है। नॉर्मल HDR शॉट्स अच्छे आते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में सन एरिया कभी कभार थोड़ा ओवर एक्सपोज हो जाता है बट फोरग्राउंड के डिटेल्स अच्छे से मेंटेन करता है ये। इंडोर लाइटिंग कंडीशंस में फोटोज काफ़ी अच्छी आती है, इसका AI कलर मोड फोटो को ऑटोमेटिकली एनहांस करता है। लो लाइट परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है, डिटेल्स अच्छे से मेंटेन करता है और लाइट्स को ज़्यादा ओवर एक्सपोज नहीं करता और इसमें रेनो 7 प्रो जैसा कोई पेंटिंग इफेक्ट का भी इशू नहीं है नाइट मोड में। इंडोर में सेल्फी अच्छी आती है बट आउटडोर में डायरेक्ट सनलाइट फेस पर पड़ने पर इसका HDR ठीक से काम नहीं करता, बाकी फोटो शार्प आता है। यह है ओप्पो रेनो 7 के बैक कैमरा का वीडियो सैंपल 1080p पर और इसमें मैंने AI हाईलाइट वीडियो को ऑन रखा है जिसके वजह से कलर्स थोड़े एनहांस हो जाते हैं। वीडियो मुझे ठीक ठाक स्टेबल लग रहा है, बाकी कलर्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। कैमरा आपको घुमाकर दिखा देता हूँ। वीडियो में HDR भी इसका अच्छा काम कर रहा है। अब मैंने अल्ट्रा स्टेडी वीडियो को ऑन कर दिया है जिसकी वजह से AI हाईलाइट वीडियो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो गया है, इसलिए इसमें कलर्स थोड़े नेचुरल है लेकिन इसमें वीडियो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। यह है ओप्पो रेनो 7 के फ्रंट कैमरे का वीडियो सैम्पल 1080p 30 FPS पर और इसमें AI हाईलाइट वीडियो और अल्ट्रा स्टेडी वीडियो दोनों साथ में चलते हैं जबकि बैक कैमरा में ऐसा नहीं कर सकते आप। तो इससे आप इसके स्टेबलाइजेशन का पता कर सकते हैं। स्टेबलाइजेशन मुझे डिसेंट लग रहा है, कलर्स भी अच्छे हैं। कैमरा आपको सन के ऑपोजिट करके दिखाता हूँ। सन के ऑपोजिट होने के बाद भी कैमरा का जो HDR है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है बजट फ़ोन के हिसाब से। तो ओवरऑल मुझे फ्रंट कैमरा की क्वालिटी अच्छी लगी इस फ़ोन की। यह है ओप्पो रेनो 7 के बैक कैमरा का वीडियो सैंपल 1080p पर और इसमें मैंने AI हाईलाइट वीडियो को ऑन रखा है जिसकी वजह से लाइट्स और दूसरे कलर्स काफ़ी एनहांस हो रहे हैं। आप इस वीडियो से इसके माइक का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। वीडियो तो मुझे बस ठीक ठाक ही स्टेबल लग रहा है। अब मैंने अल्ट्रा स्टेडी वीडियो को ऑन कर दिया है, उसकी वजह से AI हाईलाइट वीडियो बंद हो गया है लेकिन इसमें वीडियो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल हो जाता है बट कलर्स कम पड़ जाते हैं, ये थोड़ा नेचुरल कलर टोन देता है। यह है ओप्पो रेनो 7 के फ्रंट कैमरा का वीडियो सैंपल 1080p पर और इसमें मैंने AI हाईलाइट वीडियो को ऑन रखा है। इस वीडियो से आप इसके स्टेबलाइजेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे तो वीडियो कुछ ज़्यादा खास स्टेबल नहीं लग रहा है मुझे, बस ठीक ठाक है। बाकी कलर्स वगैरह अच्छे लग रहे हैं। कैमरा आपको घुमाकर दिखा देता हूँ। यह पोर्ट्रेट वीडियो का सैंपल। वीडियो की क्वालिटी अच्छी है और एजेस भी काफ़ी अच्छे हैं, कोई इशू नहीं आ रहा इसमें बट पोर्ट्रेट वीडियो सिर्फ 720p पर ही शूट कर सकते हैं आप। सेफ्टी की बात करेंगे तो इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो काफ़ी फास्ट एंड सिक्योर है। आपको फेस अनलॉक भी मिलता है जो काफ़ी फास्ट है बट सिक्योरिटी वाइज कुछ खास नहीं है। डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें आपको 6.43 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है विद 1080 पर 2400 पिक्सल्स एंड 409 PPI डेंसिटी। यह HDR 10 प्लस कंप्लाइंट भी है क्योंकि एक एमोलेड डिस्प्ले है इसलिए कलर्स काफ़ी वाइब्रेंट है। इसका डिस्प्ले ब्राइट और शार्प है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी काफ़ी बढ़िया मिलता है और व्यूइंग एंगल भी काफ़ी अच्छा है। डिस्प्ले टिल्ट करने पर भी कलर्स वॉश्ड आउट नहीं लगते। आउटडोर विजिबिलिटी इसकी ठीक ठाक है क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट के नीचे इसका डिस्प्ले थोड़ा ही विजिबल होता है तो शायद आपको इशू आ सकता है इसे बाहर यूज़ करने में। चलिए अब स्पीकर टेस्ट कर लेते हैं। इसमें एक ही स्पीकर दिया गया है नीचे की तरफ। सिंगल स्पीकर के हिसाब से साउंड लाउड है, क्रिस्प एंड क्लियर है, बिल्कुल डिस्टॉर्शन नहीं है फुल वॉल्यूम पर भी। तो ओवरऑल स्पीकर की क्वालिटी अच्छी है।
ओप्पो रेनो 7 एक 5G डिवाइस है और इसमें 13 5G बैंड्स मिलते हैं, तो इंडिया में फिलहाल 5G अवेलेबल नहीं है, बट फ्यूचर में 5G आने के बाद इससे आप काफ़ी अच्छा इंटरनेट स्पीड और नेटवर्क कवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये फ़ोन कैरियर एग्रीगेशन भी सपोर्ट करता है। तो ये था हमारा फुल एंड फाइनल रिव्यू ऑफ ओप्पो रेनो 7 5G। डेली यूजेज और गेमिंग के लिए फ़ोन अच्छा है, डे और नाइट के फोटोज़ भी अच्छे आते हैं, बस आउटडोर पोर्ट्रेट और सेल्फी में हल्का सा इशू है। बट डायमेंसिटी 900 के हिसाब से ये फ़ोन थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि सेम प्राइस पर आईक्यू 7 जैसे थोड़े बेटर गेमिंग फोन्स अवेलेबल है। बट अगर आप इसे बेस्ट प्राइस और डील्स के साथ खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। और अगर आप स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले कूपन कोड को यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल 500 रुपये का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जाइए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसे परचेज कीजिए। बाकी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा, और अगर आपको हमारा ये ऑनेस्ट रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे ऐसे टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।